नमस्कार दोस्तों, आपने अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत अपने गार्डन में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक तो खैर हमारा अलग ही होगा, लेकिन थोड़ी सी अपने गार्डन की सैर भी कर लेते हैं। हम क्या क्या खिला हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं वैसे ही गार्डनिंग का काम करती हूँ। तो आज मैं दोस्तों एडिनियम लगा रही थी। तो वैसे तो मैं बड़ी मस्ती के साथ अपना काम करती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं आपस में, तो कोई भी मैं नई चीज़ करूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम एक टॉपिक तो आपके पास दिन में पहुँच ही जाया करे। और तो मैं दिन में करती रहती हूँ, जो करना होता है मुझे गार्डन में वो तो मैं लगाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि कम से कम एक गार्डनिंग का वीडियो मेरे बहन भाइयों तक पहुँचे और किसी ना किसी प्रकार से कुछ भी जानकारी आप तक मेरे द्वारा पहुँचती रहे। तो चलिए फिर गार्डन में आ जाते हैं। मैं ये गार्डन में बैठ के काम कर रही थी ताकि जो भी मट्टी वट्टी गिरे वो यहीं गिर ले, फर्श वगैरह की सफाई हो गई थी। तो बस दोस्तों, ये हैं हमारे वो एडिनियम जो जिनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। गमले मैंने कल आपको दिखाए थे, ये कम डीप गमले हैं, बिल्कुल डिश टाइप से हैं। और बस आपने भी अपने एडिनियम ऐसे ही लगाने हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, यही थोड़ा सा तरीका अपना के। तो थोड़ा सा मटेरियल अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, ये रेत मिली मिट्टी है दोस्तों, जब उन्हें गमलों पे से उतारी थी खाद डालने से पहले। और ये हमारी गोबर की खाद, और ये है दोस्तों ईंट जो मैं इसे तोड़ लूंगी। मुझे मार्बल्स नहीं मिले कहीं भी, तो ईंट रखी थी, मुझे लगा कि नीचे फिर बेस में मैं ईंट के टुकड़े ही डाल लूंगी और तब अपना प्लांट लगाऊंगी। तो आपके पास अगर मार्बल्स हैं मोटे वाले कुछ भी हैं तो एडिनियम लगाने से पहले वो लगा दिया करें। कोई भी आप सुकुलेंट फैमिली का प्लांट लगाएं तो नीचे बेस में आपने इस तरह से मार्बल लगाने। और मैं इसको तोड़ लेती हूँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ और टूट नहीं रही है, ईंट वाकई में काफ़ी मजबूत है। तो कैमरा ऑफ करके मैं इसको आराम से तोड़ लेती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए, मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लिए हैं जितने मुझसे हुए। और अपना ड्रेनेज होल अब चेक करते हैं। दूसरा आपने ड्रेनेज होल चेक करना है। तो मार्बल्स, ईंट के टुकड़े, आपके पास जो भी सॉलिड सी चीज़ हो वो आपने नीचे बेस में बिछानी है। और ये देखिए दोस्तों, ये बंद है इसके ड्रेनेज होल, इसको भी हम खोल लेंगे इस तरीके से। तो आपके पास भी कोई पेचकस वगैरह हो या कोई भी नुकीली चीज़ हो उससे आप अपना ड्रेनेज होल अच्छा सा खोल लें। तो इस तरह से मैंने ड्रेनेज होल भी खोल लिया है और बस दोनों का मैं खोल देती हूँ इनका। और एडिनियम, और दोस्तों कोई भी सुकुलेंट फैमिली का प्लांट हो जिसमें कि मॉइस्चर हो और जो भी हमारे डेजर्ट में उगते हों उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इसका नाम ही दोस्तों, एक दूसरा नाम है इसका डेजर्ट रोज़, एडिनियम को डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब इसको ज़्यादा मॉइस्चर की तो ज़रूरत होगी नहीं। तो जब भी आप एडिनियम लगाएं तो उसके साथ ऐसे प्लांट लगा दें जो कि इसकी फैमिली के हों और उन्हें भी इस तरीके से कम ही पानी की जरूरत हो। तो जब भी आप मिक्स करके पौधा लगाएं तो ये देख लिया करें कि इन पौधों की आपस में जो मिला के लगा रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, धूप की भी और सोयल की भी और पानी वगैरह जो हम देते हैं उसकी भी। तो एडिनियम को कोई ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खराब ही पानी ज़्यादा देने से होता है। और अगर आप पानी नहीं देंगे तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा, आपका प्लांट कभी भी नहीं खराब हो सकता। लोगों का खराब ही तभी होता है जब वो ज्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं। और ये दोस्तों आपने मार्बल्स मिले, मार्बल्स वो पत्थर आते हैं ना जो काले काले से, वो भी छा लें। अब मेरे पास थी नहीं, आसपास भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही अब जहां से मैं ले आती थोड़े से, तो बस ये ईंट पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको ही तोड़ के बिछा लूं। तो अपना जुगाड़ देख लिया करे जो भी करना है। ये गोबर की खाद है, फुली डिकम्पोज है दोस्तों, ये इसको मैं साइड में रख देती हूँ और पहले अपनी थोड़ी सी हम जो रेत वाली मिट्टी है वो डाल लेते हैं। तो आइए पहले वो रेत मिली मिट्टी डाल लेते हैं, ज्यादातर उसमें सैंड ही है। मट्टी ना भी मिलाएं दोस्तों, अगर आपको सैंड भी मिलती है तो सैंड में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, बस आपने थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लेनी है। अगर चाहे तो कोकोपीट तो खैर रहने ही दे, कोकोपीट काम नहीं, इतना मॉइस्चर बनाना ही नहीं है इसमें जो कोकोपीट की जरूरत पड़े। बस थोड़ी सी गोबर की खाद और रिवर सैंड अगर आपके पास है तो वो, और बिल्कुल थोड़ी सी अपनी गार्डन की सोयल ले लें। तो मतलब ये कहने का कि आपने इसकी मट्टी को बिल्कुल पोरस रखना है जिसमें कि ज्यादा देर पानी रुके ना।
और बिल्कुल चिकनी मिट्टी आपने बिल्कुल नहीं लेनी इसकी। और बस मैं थोड़ी सी गोबर की खाद मिला लेती हूँ इसमें, ताकि एक बढ़िया सा प्रोपोर्शन जो है हमारा वो हमारी सोइल के लिए तैयार हो जाए। थोड़ी सी दाने में डीपी की और एप्सम सॉल्ट के डाल लूँगी, ताकि इस पौधे को थोड़ा शोक ना लगे। बस थोड़े से दाने अपने डीएपी के और एप्सम सॉल्ट के डाल लेने अगर है तो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस अपना जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, वो अपना रिवर सैंड में मिला के थोड़ी सी गार्डन सोइल लेके और मिला के सब लगा दें। लेकिन नीचे थोड़ा सा ध्यान रखें, नीचे का बेस है थोड़ा सा वो मार्बल से, बड़े बड़े मार्बल से ढक दें, ताकि जब भी हम इसमें पानी दें तो इसकी जड़ों तक वो पानी ज़्यादा देर ना रुके। बस मार्बल्स डालने का यही वो होता है कि कई बार ये होता है ना, नीचे अच्छा मॉइस्चर बना रहता है, रूट्स को मिलता रहता है, तो इसकी रूट्स को हमने इतना ज़्यादा मॉइस्चर देना नहीं है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो फिर ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी रूट्स इन मार्बल्स को डालने से ऊपर रहेंगी और पानी का कॉन्टैक्ट भी इसकी रूट्स तक नहीं हो पाएगा। बस यही तरीका है दोस्तों। और इसके कॉर्टेक्स में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि अगर आप इसको बिल्कुल नहीं पानी देते, अपना काम आराम से चला लेता है। और ये दोस्तों इसको लगाने का बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, मैं भी इस टाइम लगा रही हूँ, इस टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। और जो आपके पहले वाले पत्ते होंगे वो इस प्लांट के सारे झड़ चुके होंगे और अब ये नई ग्रोथ पे आ चुका होगा। और कई बहन भाइयों के घर तो, जिनके घर अच्छी गर्मी पड़ रही है, उनके घर तो फूल भी आने शुरू हो गए होंगे। तो खैर मेरे फूल तो नहीं आए हैं अभी, लेकिन प्लांट अच्छा चल रहा है, जो पहले वाले भी लगे हुए हैं ना वो अच्छे चल रहे हैं, मतलब ग्रोथ अच्छी आई हुई है उनकी। तो जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने देखा है मैंने इसको बिल्कुल नीचे दबाया ही नहीं है, बिल्कुल आपने थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के रखना है, बस हल्की सी इसकी रूट दब जाए, हल्की सी बिल्कुल। तो जितना इसकी कम रूट दबाओगे आप, उतना ही जो इसका ये नीचे का कोटेक्स है, बेस है जो इसका, वो मोटा होता चला जाएगा। और फिर देखने में दोस्तों एडीनेम हम लगाते इसलिए क्योंकि इस कोटेक्स की वजह से नीचे से जो बेस है इसका रूट के पास वाला, ये अच्छा सुंदर हो जाता है, मोटा हो जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है फिर ये। और बहुत हार्डी प्लांट है ये, अगर आप इसको पानी नहीं दोगे ज़्यादा तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दो, ज़्यादा चिकनी ना हो जिसमें पानी रुके, ज़्यादातर रेत वाली मिट्टी ले लें तो ये खूब अच्छे से चलते हैं, कहीं नहीं जाएगा आपका ये प्लांट। और ये इसका सारी गर्मी भरा आपका साथ देगा, सुंदर सुंदर फूल आएंगे। तो ये जड़ इसकी थोड़ी सी निकल रही है, मैं इसको ढक देती हूँ, पानी दूंगी ना फिर अपने आप बैठ जाएगी। अभी थोड़ी मिट्टी सूखी है ना इसलिए सेट नहीं हो रही, थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं ताकि ऊपर तक आ जाए। ये देखो क्या हुआ, ये 4 o'clock का है। तो बस यही तरीका है दोस्तों एडीनियम को लगाने का, और जिसके घर भी मैंने भेजे हैं उसने भी इस तरीके से ही लगाना है। और इसके साथ आप अपने पर्सलेन के फूल भी लगा दें बेशक, तो मेरे पास हैं ये पर्सलेन के, पोर्टुलका के, जो भी आप बोलते हो, ऑफिस टाइम मिक्स कलर हैं ये, तो दोनों की रिक्वायरमेंट एक जैसी है, ना तो इसको ज़्यादा पानी पसंद है ना उसको ज़्यादा पानी पसंद है, दोनों ही सुकुलेंट फैमिली के हैं, कम पसंद वाले पानी वाले। और जितना कम पानी दोगे, ज़्यादा धूप में रहेंगे, उतने ही इनमें ज़्यादा फूल खिलेंगे, तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। तो थोड़े से मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़े से मैं जो दूसरा वाला मैंने दिखाया था पोट उसमें डाल दूंगी। तो बस अब ये थोड़े से स्प्रिंकल कर देते हैं इसमें और नए नए प्लांट निकल आएंगे। और जो मेरे पास कटिंग है दोस्तों, पहले से मेरे पास पर्सलेन के या पोर्चुलका के, उनकी कटिंग भी मैं इसमें लगा दूंगी, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे अब उठा के कटिंग काट के लाना पड़ेगा, तो वो भी मैं इसमें लगा दूंगी। तो आपके पास अगर है पहले से ही तो आप बिल्कुल लगा दें, और ये थोड़े से बीज में दूसरे वाले गमले के लिए बचा लेती हूँ, तो ये बाद में मैं आराम से लगाती रहूंगी। जो भी मैंने इसमें कारीगरी करनी होगी बता मैं रही हूँ कि आप और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें बेगोनिया भी लगा सकते हैं आप, कलेंचू भी लगा सकते हैं, सुकुलेंट फैमिली का आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं आप इसमें। तो ये देखिए इसमें बर्ड्स भी बननी शुरू हो गई है ना। तो बस अभी इसका ग्रोथ का टाइम है, तो जित अच्छी सी आप इसको अगर लगे भी हुए हैं तो थोड़ी सी आप गोबर की खाद वगैरह इसमें डाल दें तो बहुत अच्छे से चलेंगे, थोड़े से डीएपी के दाने डाल दें, चाहे पानी में घोल के डाल दें तो भी अच्छे से चलेंगे। तो आइए बस मैं गार्डन में बैठी हूँ, तो मैं आपको और भी दिखा देती हूँ कुछ कुछ जो भी लगा हुआ है मेरे आसपास, कैमरे से जो नज़र आएगा देख लेते हैं। वो देखो बैंगन लगने कितने बढ़िया शुरू हो गए है ना,
कितने सुंदर सुंदर बैंगन लग गए हैं। और ये जो मैंने 3G कटिंग आपको बताई थी, वो ये आपने करनी है बैंगनों के साथ, और सुंदर सुंदर बड़ी हवा चल रही है। बस दोस्तों, मैं अपनी गार्डनिंग का काम कर रही हूँ, मैं अपना काम एंजॉय करती हूँ। और आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो बस इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूलों के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो ये देख लीजिए कौन कौन से फूल हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। ये देखिए, ये गुलदाउदी के कितने सुंदर खिल रहे हैं। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।